हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है हमारे चैनल ए टू जेड ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में। और इस चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट का, आपको फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग इसमें एनसीईआरटी का आपका फिजिक्स का चैप्टर वन का सारा सोल्यूशन आपको बताएंगे। और यदि आपको फिजिक्स का ऑफलाइन क्लासेस करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कंप्यूटर साइंस का आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 3×10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो चार्ज दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वहां पर कूलम फोर्स कितना काम करेगा। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ का, हम लोग फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, यदि आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपका नीट का हो, जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, या फिर कोई भी कंपटीशन का हो, आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों को बेसिक बात पता नहीं होता कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो हम आपको चार स्टेप बताएंगे। यदि चार स्टेप आपको याद हो गया तो कोई भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग जो भी चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। पहला जो चार्ज दिया हुआ क्यू वन का वैल्यू, पहला जो चार्ज दिया हुआ क्यू वन का वैल्यू देखिए यहाँ पर, फर्स्ट जो चार्ज दिया हुआ 2×10⁻⁷ कूलम। क्यू टू जो दिया हुआ है आपका 3×10⁻⁷ कूलम। और आर जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप वन हमारा काम हो गया। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि निकालना क्या है। देखो हम लोग से पूछा गया कि फोर्स कितना काम कर रहा है, एफ का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू में देखिए, स्टेप टू में हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि जो भी चीज दिया हुआ है वो आपका एसआई सिस्टम में है या नहीं। हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का सारा एसआई सिस्टम में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ये भी कूलम है, लेकिन डिस्टेंस का एसआई यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता है। तो पहले इसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का दो तरीका, या तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, या तो फिर आप इसको 10⁻²² से इंटू करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 0.3 मीटर। चलिए तो स्टेप टू हम लोग काम हो गया। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू आपको याद हो गया, स्टेप टू हम लोग क्या किए कि जो भी चीज गिवन दिया हुआ है उसको चेक करते हैं कि वो एसआई सिस्टम में है या फिर नहीं है। चलिए स्टेप थर्ड हम लोग देखेंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला, जो भी चीज हमको निकालना है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको कूलम फोर्स निकालना था तो फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। के का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि चैप्टर वन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट आता है, कूलम कांस्टेंट। इसी तरह हर चैप्टर में आपको एक एक कांस्टेंट मिल जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, इसीलिए आपको वैल्यू याद रखना होता है। के का जो वैल्यू होता है 9×10⁹। क्यूवन जी दिया हुआ आपका 2×10⁻⁷। क्यू टू दिया हुआ है 3×10⁻⁷। और आर जो दिया हुआ है 0.3² चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 2 हो गया, 9 को 2 से इंटू किया तो 18 हो गया, 18 को 3 से किया तो 54 हो गया। 9 2 18 3 54 इंटू, अब इसमें देखिए पावर 9 है, इसका -7, इसका -7, तो यदि बेस तीनों का सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 9 -7 -7 और ये हो जाएगा 0.3² हो जाएगा 0.09 स्क्वायर कीजिएगा। तो फिर इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 54 इंटू ये हो जाएगा -7 -7 -14 और +9 हो जाएगा आपका 9 -14 हो जाएगा -5। अब देखिए नीचे आ गया आपका 0.09, तो यहां से पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर दो जीरो चला जाएगा। अब 9 के टेबल में कट जाएगा कितना बार, 6 बार, तो 6 हो जाएगा
10 का पावर माइनस 5 और 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 10 का पावर माइनस 3। ये हो गया स्टेप 3 हम लोग का। और स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 4 में जब भी कोई भी आंसर लिखते हैं लोग तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर यूनिट के साथ आंसर लिखेंगे। तो हमको फोर्स निकालना था तो फोर्स का वैल्यू हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, क्या किए, k का वैल्यू पुट कर दिए, q1 का वैल्यू पुट कर दिए, q2 का वैल्यू पुट कर दिए, r का वैल्यू 0.3 का स्क्वायर में 0.09 9 को जो 54 हो गया, ये 9 हो गया, -7। अब यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर वैल्यू आया -7 -14 हो गया और 9 -14 आपका हो गया -5। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाए ऊपर 2 0 चला गया। अब ये 9 के टेबल में 6 का कट गया, ये -5 और प्लस हो गया -3। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं जब भी आंसर लिखेंगे तो यूनिट के साथ। तो एक बार फिर से बता दे रहा आपको, स्टेप 1 क्या करते हैं, कोई भी चीज जो दिया हुआ रहेगा इसमें हम क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो चीज दिया हुआ था फर्स्ट में मेरा हम उसको नोट कर लिया हमें कि क्या दिया हुआ था। फिर इसके बाद क्या गिवन में फर्स्ट में लिखे हम लोग, फिर स्टेप 2 में क्या किया, SI कन्वर्शन देख लीजिए कि SI सिस्टम में है या नहीं, थर्ड में फॉर्मूला ही चाहिए, अब फोर में जब भी लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट के साथ आंसर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है यहाँ पर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो फिर पहला वही काम, स्टेप लिखें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ, q1 का वैल्यू दिया हुआ है, q1 का वैल्यू दिया हुआ 0.4 माइक्रो कूलम, q2 आपका दिया हुआ है -0.8 माइक्रो कूलम, और आपका फोर्स का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 0.2 न्यूटन, और आपसे पूछा गया कि r का वैल्यू क्या होगा। स्टेप 1 हम लोग का काम हो गया। स्टेप 2 में भी क्या सिखाया आप लोग को, कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज दिया हुआ है उसको हम एक बार चेक करते हैं कि वो SI सिस्टम में है या फिर नहीं है। माइक्रो कूलम आपका SI सिस्टम में नहीं आता है, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है, यहाँ पर माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, माइक्रो कूलम को पहले कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁶ यहाँ पर इनटू करेंगे। इसी तरह 0.8 माइक्रो कूलम है, इसको भी -0.8 × 10⁻⁶ कूलम, और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए इसको एज इक्वल छोड़ देंगे। चलिए अब स्टेप 2 हो गया मेरा काम। स्टेप 3 में भी क्या बताया, कि स्टेप 3 में हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F का वैल्यू दिया हुआ 0.2, K का वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू था 0.4 × 10⁻⁶, और Q2 का वैल्यू था 0.8 × 10⁻⁶। और यहाँ से आपसे पूछा गया कि R का वैल्यू क्या होगा, कोई मिला लीजिए यहाँ से, जो Q1 दिया हुआ था 0.4 × 10⁻⁶, Q2 आपका 0.8 × 10⁻⁶। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर डिवाइड में इधर आ गया तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, अब इधर बचेगा देखिए 9, इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए 9 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 8 बचा, अब इसे पावर को सॉल्व कर दिया, -6 -6 -12 हो गया +9, तो 10⁻³ हो गया, ये नीचे हो गया आपका 0.2 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻² तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से हटाएंगे, इस पॉइंट पर ऊपर 10 आ जाएगा और 2 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, तो 9 टू जाए 18 हो गया, 18 कितना था 164 इनटू अभी आपका आ जाएगा 10⁻³, सॉरी ये आपका हो गया कितना, 9 टू जाए 18 हो जाएगा आपका 144, यहाँ पर मिस्टेक आपका करेक्शन कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 144। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये नीचे आपका बच जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, और 10⁻³ था, 10⁻³ यहाँ तो कट जाएगा तो नीचे बचेगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144 × 10⁻⁴। अब यहाँ से हमको आर का वैल्यू निकालना है, इधर स्क्वायर में है तो आर इक्वल टू हो जाएगा √144 × 10⁻⁴। अब इसी बात को लिख सकते हैं 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर
और इसको लिख सकते 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा, दिया जाएगा 12 * 10 का पावर -2 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। या इसी को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। जो एनसीईआरटी में आपका आंसर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से देख लीजिए यहां पर क्या दिया हुआ था। इसमें आपका क्या-क्या दिया था, इसमें इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ था, q1 q2 दिया था, आपसे r का वैल्यू पूछा गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, मतलब लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का आपका बोलता है, इसमें आपको चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस होता है। इसमें सारा क्वांटिटी के बारे में पहले डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। k का जो डायमेंशन निकलेगा आपका, देखिए जो k का डायमेंशन होता है, f इक्वल टू होता है k q1 q2 / r स्क्वायर। यहां से k का डायमेंशन निकाल लेंगे तो फार्मूला आ जाएगा f r स्क्वायर q1 q2। k का जो वैल्यू आ जाएगा, हमसे k का वैल्यू आ जाएगा f r स्क्वायर / q1 q2। f का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mLt - 2, डिस्टेंस का हो जाएगा l स्क्वायर, चार्ज का होता है at। तो यहां से इस चार्ज का भी हो जाएगा at। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका mL3t का -2 है, t का स्क्वायर हो जाएगा, पर ऊपर चला जाएगा तो t का पावर -4 -2 पहले से -4 और a का पावर ऊपर चला जाएगा तो -2। ये डायमेंशन किसका निकल गया, k का। इसी तरह कंडीशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आप पता कर लीजिएगा तो होता है वैल्यू का m - 1 L3 t - 2। ये आपका निकल गया किसका, कंडीशनल कांस्टेंट। इसको निकाल सकते हैं, जो फार्मूला होता है आपका f इक्वल टू gm1 m2 / r स्क्वायर। यहां से g का रोटेशनल कांस्टेंट निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए, तो आपसे पूछा गया है ke² / g, इसका रेशियो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे। यहां पर जो रेशियो को लेना है किसका लेना है, देखिए यहां पर ke² / gme mp का जो रेशियो होगा ये आपको कांस्टेंट शो करना है। तो चलिए सबका डायमेंशन हम लिख लेंगे। k का डायमेंशन लिखिए, k का जो डायमेंशन होता है अभी निकाले थे mL3 t - 4 a - 2, और चार्ज का डायमेंशन होता है at। e जो यहां पर चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, at का स्क्वायर हो गया। g का यहां निकाल लेंगे m - 1 L3 t - 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का m हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन का भी m हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आएगा m तो अकेला ऊपर m को छोड़ देंगे, l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर -4, a का पावर -2। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो हो जाएगा a का पावर 2 t का पावर 2। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जब नीचे सॉल्व करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर देखिए m m² हो जाएगा, यहां पावर -1, तो यहां पर सिर्फ m बच जाएगा, l का पावर 3 बच जाएगा, t का पावर -2 बचेगा। अब देखिए ये m कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा m का पावर 0, ये l कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा l का पावर 0, t का पावर -4 है और यहां t का पावर +2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, a का पावर -2, a का पावर 2, यहां a का पावर 0 हो गया, नीचे बच गया t का पावर -2। ये दोनों भी टर्म कट जाएगा, यहां पर आपका आंसर जो आया m₀ l₀ t₀ a₀। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इज डायमेंशन लेस, ये पे कोई डायमेंशन नहीं है, ये आपका डायमेंशन लेस आ गया, इट इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।